हेलो दोस्तों, मैं पीयूष, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेक्नो पीजे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जियो मीट ऐप के बारे में, हाउ टू यूज़ जियो मीट ऐप क्या है, कैसे यूज़ करें, कैसे चलाएं, इसके बारे में आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल टेक्नो पीजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जियो मीट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आके आपको सर्च कर लेना है जियो मीट। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जियो मीट ऐप में आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप खुद की मीटिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे की मीटिंग में आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन अ मीटिंग का। तो यहाँ पे आप किसी भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप दो तरह से मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तरीके में आप यहाँ पे मीटिंग की आईडी के द्वारा किसी भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरे तरीके में आप यहाँ पे मीटिंग की लिंक के द्वारा यहाँ पे किसी भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मीटिंग की आईडी और या फिर लिंक आपको डालना होगा और मीटिंग का पासवर्ड डाल के यहाँ पर किसी भी मीटिंग को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे ज्वाइन विद ऑडियो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसको आप ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे ऑडियो के साथ मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे ज्वाइन विद वीडियो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो यहाँ से आप वीडियो के साथ में मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इस ऐप में साइनअप कर लेना है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना होगा और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालकर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैंने नाम और नंबर डाल लिया है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट न्यू मीटिंग का। तो यहाँ से आप खुद की मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट अ मीटिंग पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा म्यूट करने का। तो यहाँ से आप ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे स्टॉप वीडियो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप वीडियो को बंद कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर शेयर करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पे पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी लोगों को मीटिंग में ऐड किया है तो वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको नीचे इनवाइट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप मीटिंग की लिंक को शेयर करके किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, जहाँ पर आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको म्यूट ऑल करने का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आप सभी को म्यूट कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको यहाँ पे पाँचवे नंबर पे मोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चैट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी टाइप करके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको मीटिंग सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मीटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा म्यूट ऑन एंट्री, तो यहाँ से आप किसी की भी एंट्री को म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर देंगे तो जब कभी भी कोई पार्टिसिपेंट्स आपकी मीटिंग में ज्वाइन होएगा तो उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ऊपर एंड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं। और मीटिंग को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंड मीटिंग फॉर एवरी वन पर क्लिक करके मीटिंग को बंद कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर ज्वाइन अ मीटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको समझा दिया है तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे प्लान अ मीटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मीटिंग को सेट कर सकते हैं कि आपको मीटिंग को कब रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे मीटिंग की डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि आज 20 तारीख है तो यहाँ पर मैं कल की डेट सेट कर देता हूँ। और यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको टाइम को सेट कर लिया है। और यहाँ पर ऊपर डन पे क्लिक कर देंगे तो ये मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से आप मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ऐड टू कैलेंडर
का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ से आप कैलेंडर में इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड इनविटीज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ से आप किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर मीटिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिलीट मीटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको मीटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल मीटिंग आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंड इन्विटेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप किसी को भी इन्विटेशन सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं नाम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, लोकेशन, यहाँ पे ये सब सेट कर सकते हैं। और आपको साइन आउट करने का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मीटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप माइक्रोफोन को म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से माइक्रोफोन को म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपने वीडियो को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस ऐप को चलाने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्नोपीजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।